कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है और क्या नाम बदल देने से सेकुलरिज्म बदल जाता है? ये बहुत ही वेग कंसेप्ट है। जो भारत का जो सेकुलरिज्म का जो पूरा आइडिया है ये खुद उसके खिलाफ है। सेकुलरिज्म इज एन आइडिया इन माई ओपिनियन, इट्स अ प्रैक्टिस एंड इट कैन नॉट बी वायलेटेड बाय पुटिंग सर्टेन नेम ऑफ अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये सैकड़ों साल से एक शतक हो गया है और जिस तरह से ये दोनों संस्थाएं है उसके रूप में अभी तुरंत कोई नाम बदलने का वगैरह हमारा निर्णय नहीं है। हमने कमिटियां नियुक्त की थी एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक एंड रिसर्च ऑडिट करने के लिए। अब कमिटी जाती है, बहुत सघन अध्ययन करते हैं तो उसी में उन्होंने क्या दिया है अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुस्लिम एज वेल एज हिंदू इन द नेम्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज ओनली रिफ्लेक्ट द कल्चर, द हिस्ट्री, द ट्रेडिशंस, द ईथॉस ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज विच कैनॉट बी इरेज्ड बाई अ सजेशन ऑफ एन ऑडिट कमिटी। दीज यूनिवर्सिटीज आर टू बी एग्जामिन, देर इज नो आयोटा ऑफ एविडेंस दैट दे वायलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। पर्टिकुलरली इन AMU देर इज नो रिजर्वेशन फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी रिलीजन और डिस्क्रिमिनेटिंग इन फेवर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक परंपरागत है और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये पहला और नया नाम नहीं है। यह स्थापना के समय ही मदन मोहन मालवीय जी ने यहाँ के जो अपनी एक संहिता है उसमें उन्होंने लिखा था। हिंदू शब्द जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उसका एक पूरा अपना इतिहास है। ठीक वैसे ही मुस्लिम शब्द जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ लगा हुआ है उसका भी अपना इतिहास है। ये 1875 में जब ये कॉलेज बना था तब से ये शब्द साथ में लगाया जाता है। तो आप इसको हटाने से आप एक पूरा एक इतिहास 150 साल का इतिहास को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो मुस्लिम शब्द हटाना है उस पर भी कहीं ना कहीं से कहीं सोची समझी राजनीति है। दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया गया मुगल सराय का, APJ अब्दुल कलाम रोड नाम रख दिया गया औरंगजेब रोड का, तो क्या नाम बदलने से सारी चीज़ें बदल जाएंगी? अगर हमको सेकुलर कैरेक्टर को मेंटेन करना है तो हमको ये समझना चाहिए कि आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 25 है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिंगुअल और रिलीजियस माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए दिया है। तो जहाँ तक कल्चरल प्रोटेक्शन का सवाल है, लिंगुअल प्रोटेक्शन का सवाल है, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कहना कि AMU इज़ अ फ्यूडल यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पैरामीटर है, क्या पैरालेंस है कि आप ये कह रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक फ्यूडल यूनिवर्सिटी है? फिर उसमें हाइपोक्रेसी क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि ये फ्यूडल यूनिवर्सिटी है, इसमें अमीर लोग पढ़ते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इनमें गरीबों को पढ़ाना चाहिए, फिर आप कहते हैं कि इसका पैसा बढ़ा देना चाहिए, फंड फीस बढ़ा देनी चाहिए। तो ये कितना हाइपोक्रेटिक और पैराडॉक्सिकल स्टैंड है जो कि ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है और संविधान के साथ एक खिलवाड़ भी है। देश का एक सेकुलर देश का प्रधानमंत्री जब किसी पुल का उद्घाटन करता है तो नारियल फोड़ के कैसे कर सकता है, ये सवाल ही पूछा जाएगा ना फिर। तो मेरे ख्याल से ये करना एक पॉलिटिकल स्टंट होगा, इसको ना किया जाए यही बेहतर है।